हजरत, सबसे पहले मैं इस जश्न में बाबरकत की खुद वली असर में ज़माना की बारगाह में पेश करता हूँ अपनी तबरीक और आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैं दो से तीन मिसरे पेश करता हूँ, उसके बाद जो जहमत तमाम, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। और कौन कहता है कि जश्न कामयाब नहीं होता, शब्बेदारियाँ कामयाब नहीं होती हैं, जहाँ खुलूस हो वहाँ सब कामयाब होता है। और आज मैंने देखा है कि शब्बेदारियाँ बहुत सी हुई लेकिन ख़त्म हो गई, लेकिन एक सरजमीन है जो 13 रजब 13 सफ़र को शब्बेदारी होती है, वो आज भी अपने शान और शौकत के साथ होती है, इसलिए कि वहाँ खुलूस बाकी है। तो जहाँ भी खुलूस बाकी होगा वो प्रोग्राम कामयाब हो के रहता है। और फिर इनका प्रोग्राम कामयाब ना होगा तो फिर किसका प्रोग्राम कामयाब होगा? क्योंकि यहाँ इल्म है, हिल्म है, सदाकत है, बुर्दबारी है, सच्चाईत है। जहाँ ये सब कुछ जमा होंगे वहाँ ज़रूर कामयाबी मिलती है। बुलंद तरीन अज़मत आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ दें। एक सलावत और पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं पेश करता हूँ, समाप्त करें हजरात। अली के जिक्र से अब बचे कि जान पाएगा, अली के जिक्र से अब बचे कि जान पाएगा, जिक्र से अली के जिक्र से अब बचे के जा न पाएगा, न सब को अपने मुनाफिक छिपा न पाएगा, अली के जिक्र से अब बच्चे के जान पाएगा। और यहां से शेर पेश कर रहा हूं कि नुसैरियों की खुदाई भी जिसने ठुकरा दी, अली के जिक्र से। और ये शेर खास तौर से तवज्जो चाहता हूं मैं कि जिस इंतहा पे अली को खुदा ने रखा है, जिस ख्याल भी इंसान का जा न पाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और कसीम भाई ये शेर खास तौर से चाहता हूं, अगर शेर पहुंच गया दोस्त नवाजिएगा इंशाल्लाह, कि करे ये टुकड़े जो मरहब हब के इस तरह है दर।
के अपने कटने का भी वो पता न पाएगा, के अपने कटने का भी वो। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और एक शेर हो सकता है कि लोगों को पसंद ना आए या हो सकता है कि तलख लगे, मैं रात पेश करता हूँ कि के किलम गुनाहों में जो गुजारेगा, के एक लम्हा गुनाहों में जो गुजारेगा, मैं कैसे मानूं कोई सजा न पाएगा, मैं कैसे मानूं कोई सजा न पाएगा। और आखिरी शेर ज़हमत तमाम के अंधेरी कब्र में मुनकिर किसे सदा देगा, अंधेरी कब्र में मुनकिर किसे सदा देगा, अली के बुग़्ज़ में जब के दिया न पाएगा, अली के बुग़्ज़ में जब के दिया न पाएगा। और मक्ते का मन समाप्त कर लें कि लहदी की मंजिल दुश्वार में अगर गुलफाम अली ना आए तो कोई बचा न पाएगा, अली ना आए तो कोई बचा न पाएगा, अली ना आए। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत जल्दी जल्दी तहत में इसको समाप्त कर लें, तरन्नुम में नहीं, इसलिए ताकि जो है वक्त न लगे और एक फ़र्ज है जो मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। पेश करिए कि हुब हैदर में है बीमार अली का शिया, जो मौजूद था उस पर सुन लीजिए। हुब हैदर में है बीमार अली का शिया, बस यही रखता है किरदार अली का शिया, बस यही रखता है किरदार अली का शिया, आज आने नहीं देता है आज़ादारी पर, आज आने नहीं देता है आज़ादारी पर, रहता है मरने को तैयार अली का शिया, रहता है मरने को तैयार अली का शिया। और मुल्क की बात हो या बात करो मजहब की, मुल्क की बात हो या बात करो मजहब की, न मिलेगा कोई गद्दार अली का शिया, ना मिलेगा कोई गद्दार अली का शिया। और करबला शीर में मादर ने पिलाई है इसे कसिमाई, करबला शीर में मादर ने पिलाई है इसे, क्यों ना हो हक का तरफदार अली का शिया, शीर में मादर ने पिलाई है इसे, क्यों ना हो हक का तरफदार अली का शिया। और जिंदगी मजलिसो मातम में बसर करता है, जिंदगी मजलिसो मातम में बसर करता है, हुब्बे हैदर में गिरफ्तार अली का शिया, हुब्बे हैदर में गिरफ्तार अली का शिया, कब्र में सामने जब आएंगे गुलफाम अली, कब्र में सामने जब आएंगे गुलफाम अली, तब कहीं पाएगा दीदार अली का शिया, तब कहीं पाएगा दीदार अली का शिया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात।